Hi everyone, this is Saloni, an IELTS trainer and a motivational speaker from Sacred English Academy. And today I have got a quite interesting topic for you, and that is related to since and for. The reason I'm making this video is because my next video upload hone wali hai, that is related to past perfect continuous tense. And in the past perfect continuous tense, you really actually need since and for. आपको उसमें since and for की काफी जरूरत पड़ने वाली है. No doubt, I have explained their since and for की कैसे use करना है. But few of my students asked me कि ma'am आप इसके लिए एक complete video बना दो. That is why I am here with a video of since and for. और start करने से पहले I want you to just subscribe to my channel, press the bell icon, and so that आपको कोई भी जो videos है वो miss ना हो. So now I'm going to start. Let's begin. Since and for. Since is actually used when we are talking about when we have to mention the beginning of time. Beginning of time का मतलब है कि since हम लोग वहाँ पे use करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने किसी भी time की starting के बारे में बात करना है. और दूसरी तरफ for हम लोग use करते हैं when we give the length of time, जब हम लोगों ने समय की length को बताना होता है. अब मैं इन दोनों को आपको विद एग्जांपल बताती हूँ. सिंस जब बिगिनिंग ऑफ टाइम कि कब हमने चीज़ों की शुरुआत की. जैसे मैं कहती हूँ कि मैंने क्रिकेट खेलना 2000 में स्टार्ट किया या फिर 2013 में स्टार्ट किया या फिर हमने ये बिजनेस जो है 2005 में स्टार्ट किया या फिर मैंने स्कूल जाना 2000 में स्टार्ट किया. एनी थिंग विच यू हैव स्टार्टेड, कोई भी चीज़ जिसकी आप बिगेनिंग बताना चाहते हैं, स्टार्टिंग बताना चाहते हैं, फॉर दैट थिंग यू विल यूज़ सिंस. और इसकी और मोर क्लैरिटी जो है मैं आपको विद एग्जांपल्स जल्द ही बता रही हूँ. नेक्स्ट फॉर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द लेंथ ऑफ टाइम. लेंथ ऑफ टाइम मीन्स टाइम कितना लगा हमें. जैसे मैं कहती हूँ कि मैं पिछले 2 घंटे से काम कर रही हूँ या फिर मोहन पिछले 1 घंटे से पढ़ रहा है या फिर आप कह सकते हैं मैं पिछले 10 घंटे से सो रहा था. सो एनीथिंग इफ यू डिस्क्राइब द लेंथ कि कब से कब तक आप कोई चीज कर रहे थे, दैट इज एक्चुअली डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉर. सेंस एंड फॉर का फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. मूव टू द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज इट इज नॉर्मली यूज्ड विद द परफेक्ट टेंस. नॉर्मली सिंस को आप परफेक्ट के टेंसेस के साथ ही यूज़ करते हैं. परफेक्ट के टेंसेस, जैसे हम लोगों की टेंसेस की ऑलरेडी सीरीज चल रही है, अगर आपने नहीं देखी तो एवरीथिंग इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गो एंड चेक कि टेंसेस की सीरीज सारी स्टार्ट हो चुकी है, आपको बहुत अच्छे से वो भी क्लियर हो जाएगी. सो सिंस आपको यूज़ करना है सारे परफेक्ट टेंसेस में. नॉर्मली परफेक्ट टेंसेस में ही सिंस जो है एक्चुअली यूज़ होता है. And on the other hand, if I talk about the for, तो जो for है it is used with all the tenses. जो for है आप उसको हर tenses से use कर सकते हो. That can be present tense, that could be past tense or the future tense. आप इसको किसी भी चीज के साथ use कर सकते हैं. Now I'm going to move toward the examples जिससे आपको और भी clear हो जाएगा that how you have to use the since and how you have to use the for. So let's see what is the next part. Since is used in these ways. जैसे कि since time को बताता है particular time को कि 10 बजे से ही ये काम हो रहा है. Since Monday, जैसे आप बोलते हैं कि मैं Monday से पढ़ रहा हूँ, बहुत hard work कर रहा हूँ. Since July, it doesn't mean सिर्फ July आएगा, you can use January, February, anything. आप months भी बता सकते हैं. जैसे कि आप कह सकते हैं since January, I'm making a very great effort to clear my exams. कि मैं बहुत efforts कर रहा हूँ जुलाई से या जनवरी से, whatever it is, अपने exam को clear करने के लिए. Then is since 1947. अब आप कोई particular time बताना चाहते हैं कि मैं जैसे दिल्ली में रह रहा था, यहाँ तो मैंने 1947 लिखा है, you can even write 2003, कि मैं 2003 से दिल्ली में रह रहा हूँ. Then morning, जैसे बताते हैं कि मैं morning से TV देख रहा हूँ. So you can use since morning, since childhood, ये मैं already बता चुकी हूँ कि बचपन से ही मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ. When you have to say बचपन से मैं कर रहा हूँ तो you will use since childhood.
So these are the ways in which you can use the sins. Now let's move to four. Four is usually for the length of time. जब आप कोई time की length बताते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं कि पिछले 10 मिनट से मैं फ़ोन चला रहा हूँ, पिछले 2 घंटे से वो टीवी देख रहा है, पिछले 6 दिनों से वो दिल्ली गया हुआ है, anything, right? 9 मंथ से, century से, for long time, लंबे समय से. So four is used in this way. Now I'll give you one example, जिससे sense of four और clear हो जाएगा. जैसे आप बोलते हैं कि मैं मंडे से स्कूल जा रहा हूँ. So you can say, I have been going to school since Monday. Then हम इधर आते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ. I have been reading book for 2 hours. ये मैंने क्लियर कर दिया, 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. वन मोर एग्जाम्पल सिंस में से ही, जैसे कि हम बोल सकते हैं मॉर्निंग, शी हैज बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से गाना गा रही है. सो सिंस एक बार फिर से क्लियर हो गया. फॉर की तरफ चलते हैं. फॉर में आप बोल सकते हैं लाइक 10 मिनट्स. ही हैज बीन यूजिंग द फोन फॉर 10 मिनट्स. वो पिछले 10 मिनट से या फिर वो 10 मिनट से फोन यूज कर रहा है. सो इन दिस वे यू विल यूज सिंस एंड फॉर. अगर मैं इन सारी चीज़ों को रिकैप्चुलेट करूँ, एक्चुअली सिंस इज यूज व्हेन यू हैव टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कि तब से क्या हो रहा है. एंड फॉर इज यूज फॉर द लेंथ ऑफ टाइम, जब आप बताते हैं कि कितनी देर से हो रहा है, लाइक 2 hours से, 3 hours से, 3 days से, 6 days, 4 days, anything. इट्स नॉट कि आपको 9 months लिखना है, 10 months लिख दें, 12 months लिख दें. यहाँ पे भी इट्स नॉट लाइक मंडे लिखा है तो मैंने आप मंडे ही बोलेंगे. इट्स लाइक यू कैन यूज ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, एनीथिंग. जुलाई, जून, फेब्रुवरी, मार्च, एनीथिंग. एंड इन द सेम वे आफ्टरनून, इवनिंग, सिंस एंड फॉर आप ऐसे यूज करेंगे. Now I want you to subscribe my channel Sacred English Academy. Press the bell icon because मेरी जो next video है वो past perfect continuous tense के regarding है और उसमें ये sense and for आपको बहुत helpful होने वाला है. And मेरी video past perfect continuous का link जो है description में और I button में दोनों जगह mention है. You can see from anywhere and even जो past perfect continuous tenses है वो भी मुझे ज़रूर बताएं कैसे लगी. And also the sense and for in the comments section I'm waiting कि आप लोग अपने कमेंट्स के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू मुझे बताएं दैट हाउ मच डू यू लाइक दिस वीडियो. एंड थैंक यू सो मच.